आपका पंकज ग्रोवर और मैं हूं लक्ष्य दत्त टारगेट से। आज फिर एक बार आपके साथ हूं क्योंकि एक न्यूज ने खलबली मचाई हुई है। 14 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज पब्लिश हुई थी दैट कॉलेज कट ऑफ टू फॉल एज एचआईडी प्लान्स एंड टू ग्रेस मार्क्स, यानी कि हो सकता है कि एचआरडी मिनिस्ट्री जिसको सीबीएसई ने अप्रोच किया वो ग्रेस मार्क्स का सिस्टम ही खत्म कर दे। तो आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, कहानी शुरू कहां से हुई थी। दोस्तों कहानी शुरू हुई थी दिसंबर 2016 में जब सीबीएसई ने मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को एक लेटर लिखा था और उनसे कंसेंसस मांगा था कि पूरे हिंदुस्तान में यूनिलैटरल तरीके से एक ही तरीके से आप इस पॉलिसी को स्क्रैप कर दो। पहले इस पॉलिसी को समझते हैं, ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी होती क्या है। ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, कुछ लोग इसे ग्रेस मार्क्स कहते हैं, कुछ लोग इसे मॉडरेशन पॉलिसी कहते हैं, कुछ लोग इसे स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी कहते हैं और कुछ लोग इसे एडजस्टमेंट बोलते हैं। आप इसे कुछ भी समझे लेकिन मॉडरेशन पॉलिसी में नॉर्मली होता क्या है, स्टूडेंट को 15% तक मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर एग्जाम डिफिकल्ट आता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि आप मान लीजिए किसी स्टूडेंट के अगर मैथ्स में लास्ट ईयर 79 बनते थे तो उसे 95 दिए गए थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैथ्स का पेपर, मैथ्स का एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा ट्रिकी था। तो मॉडरेशन पॉलिसी में अभी क्या हुआ, अभी जैसे लास्ट ईयर की हम बात करें मैथ्स में तो रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर 16 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए गए थे स्टूडेंट्स को, जबकि दिल्ली रीजन के स्टूडेंट्स को 15 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए गए थे मैथ्स के एग्जाम के लिए। अब 24 अप्रैल को एचआरडी मिनिस्ट्री ने पूरे हिंदुस्तान के जितने भी एजुकेशन के सेक्रेटरीज हैं उन्हें लेटर लिखा है और सबको रिक्वेस्ट किया कि मिलके एक रेकमेंडेशन दीजिए आप हमें कि हम किस तरीके से यूनिलैटरल तरीके से पूरे हिंदुस्तान में एक पॉलिसी लेके आ सकते हैं जिसमें हम ग्रेस मार्क्स को स्क्रैप कर दें। अच्छा, ग्रेस मार्क्स आने से हुआ क्या? ग्रेस मार्क्स की वजह से अगर 2008 तक की मैं आपसे बात करूं तो 95% मार्क्स अगर 100 में से एक बच्चे के आते थे तो 2012 आते-आते ये काउंटिंग 24 टाइम्स बढ़ चुकी थी, यानी कि 2008 में अगर एक बच्चा 95 मार्क्स लेके आ रहा था तो 2014 में आते-आते ये काउंटिंग 24 तक पहुंच गई थी। इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि 2015 में जब श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने अपनी कट ऑफ निकाली इको ऑनर्स की तो एक पॉइंट इन टाइम पे उन्होंने साइंस के स्टूडेंट अगर वो इको ऑनर्स लेना चाहते थे तो उनके लिए कट ऑफ रखी 103.75, जो मतलब सोचा जाए तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसके 98.75 एजुकेशन में आए हो प्लस उसके पास कोई नेशनल स्पोर्ट्स का कोटा भी रहा हो तो जाके वो एसआरसीसी में एक साइंस का स्टूडेंट बीकॉम इको ऑनर्स ले सकता था। तो इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए जो कट ऑफ 100% तक जा रही है, हो सकता है इस पॉलिसी को कट डाउन किया जाएगा, इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा कि मॉडरेशन एग्जाम मॉडरेशन मार्क्स को हम लोग कट डाउन करते हैं। लेकिन अभी होगा क्या इसमें? इसमें होगा ये कि बहुत सारे स्कूलों ने, जो मेरी नॉलेज है, द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मेरा सीनियर टीचर्स के साथ कंसल्टेशन, डिफरेंट स्कूल्स में हमारी जो बात हुई है, तो ऑलमोस्ट सभी बड़े बड़े स्कूलों ने या बड़े स्कूल चैंस जो हैं जैसे केवी, डीएवी या नवोदय विद्यालय, इन सभी ने ऑलमोस्ट सीबीएसई को रिकमेंडेशन भेजा है, अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजी है कि अकाउंटेंसी का एग्जाम वेरी डिफिकल्ट था, इसमें 15 मार्क्स का ग्रेस दीजिए। और 24 अप्रैल के आसपास सीबीएसई को अपनी मार्किंग स्कीम भी इश्यू करनी है अकाउंटेंसी के एग्जाम से रिलेटेड। तो जहां तक मेरा मानना है कि 24 तारीख को अगर रिकमेंडेशन दी जाएगी तो डिसीजन शायद इतना जल्दी नहीं आ पाएगा, तो शायद अब की बार वाले बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, सूनर और लेटर अगर रिकमेंडेशन सारे सेक्रेटरीज ने, एजुकेशनल सेक्रेटरीज ने दी कि आओ हम इसको मिलके एक ही तरीके से स्क्रैप करते हैं तो ये स्क्रैप हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ सीबीएसई की रिकमेंडेशन मानी जाए तो इसे स्क्रैप करने से सबसे ज्यादा लॉस सीबीएसई के स्टूडेंट्स को ही होगा, क्योंकि अगर बाकी बोर्ड्स इस पॉलिसी को रिजेक्ट नहीं करते तो उनके स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन इजीली मिल जाएगा, वेयर एज सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो एक कंसेंसस बनाना, एक पॉलिसी क्रिएट करना शायद एक दिन का काम नहीं है, एचआरडी मिनिस्टर को भी इसमें, मिनिस्ट्री को भी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है कि अब की बार ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर ये एक कंसेंसस बन गया तो आने वाले सालों में
बच्चों को ग्रेस मार्क्स के लिए दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस मुझे लाइक कीजिएगा, और अगर आपके कुछ सवाल हो इसी रिकमेंडेशन के बारे में या इसी कंसेंसस के बारे में, या और अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालिए, मुझसे सवाल पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल ले पाऊं। और जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लक्ष्य द टारगेट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।